हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये आईफोन 13 है और ये पहचान में भी नहीं आ रहा कि ये आईफोन 13 है। जैसे इसकी आप कंडीशन देख सकते हो, इतनी जबरदस्त तरीके से ये टूटा हुआ, इसके अंजर पंजर सारे इसके हिल चुके हैं। इतनी शॉप पर ये रिपेयर के लिए गया लेकिन किसी ने भी कोई रिपेयर करने के लिए एग्री नहीं हुआ। मैं इसकी आपको अंदर की कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। डिस्प्ले, हाउसिंग, कैमरा, मदरबोर्ड, यहाँ तक की बैटरी तक भी इसकी सब कुछ इसका डैमेज हो चुका है। जैसे बैटरी की कंडीशन देख सकते हो। अब मैं आपको वो सारे पार्ट दिखाना चाहता हूँ जो इस फोन के अंदर मैं लगाने वाला हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो, ये हाउसिंग है। कस्टमर का कहना था ब्लैक की जगह व्हाइट हाउसिंग लगाना, ये मेरे पास स्टार लाइट कलर है ये, और ये ओरिजिनल हाउसिंग है, ये फोन से रिमूव हुई हुई हाउसिंग है ये। और आप जैसे कंडीशन इसकी देख सकते हो, कितनी जबरदस्त कंडीशन है, ज्यादा स्क्रैच नहीं है, हल्के फुल्के स्क्रैच है, फोन से रिमूव है ये हाउसिंग। और साथ ही हम इसके अंदर बैटरी लगाने वाले, ये भी सेट से रिमूव बैटरी है, ये ओरिजिनल बैटरी है ये। और साथ ही मैं इसका बैटरी का मैसेज भी हटाने वाला हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाने वाला हूं। जैसे आप ये देख सकते हो, ये मार्केट की ओजी डिस्प्ले है, ये ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है। अभी आपको इसका मैं सभी पार्ट का मैं प्राइस बताने वाला हूं और वो भी बहुत सस्ते के अंदर इसको ठीक करने वाला हूं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। चलिए तो वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों आपने इस फोन की कंडीशन तो देख ही ली, इसके पूरे अंजर पंजर हिला के कस्टमर ने मेरे पास ये कोरियर करा है। लेकिन इसके बाद भी हम इस फोन को रिपेयर करने वाले हैं और वापसी इसको नया जैसा इसको तैयार कर देंगे इस फोन को। और जैसे आप ये डिस्प्ले देख सकते हो, टोटली पूरी वेस्ट हो चुकी है, हमारे लिए कोई भी काम की नहीं है। अब इसका निकालते हैं, सबसे पहले इसका बोर्ड चेक करते हैं, उसके बाद में जाके हम इस पे काम करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हो पीछे से कंडीशन भी, ये पहली बात तो ये रिपेयर हो रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये काफी दुकान पे जाकर ये फोन आ चुका है, ये रिपेयर होकर आ चुका है, लेकिन किसी ने भी इसको रिपेयर नहीं करा। और ये बोर्ड ये खुला हुआ भी है, ये जैसे आप देख सकते हो सैंडविच बोर्ड होते हैं, दो बोर्ड एक साथ चिपके हुए होते हैं, ये बीच में से खुल चुका है। चलिए तो पहले इसी को रिपेयर करते हैं, अगर इसके अंदर अगर जान होगी तो ही इस फोन को रिपेयर करेंगे, अदरवाइज में इसको हम रिपेयर नहीं करेंगे। तो चलिए पहले इसको रिपेयर करते हैं। 3 hours later तो दोस्तों कई घंटे की मेहनत के बाद में हमने इस बोर्ड को स्वैप ही हमारे को करना पड़ा। जैसे आप ये देख सकते हो, ये बोर्ड हमने स्वैप कर दिया, ये टूटा हुआ था, पूरा डैमेज हो रखा था, तो हमने इसको स्वैप करके हमने नया बोर्ड इसमें बना दिया है। सारी आईसीआ चिप सब कुछ हमने शिफ्ट कर दी है नए बोर्ड के अंदर। और ये पुराना वाला बोर्ड जो उखड़ रखा था, इसके सारे प्रिंट टूटे हुए थे, तो इसलिए हमारे को ये पूरा चेंज करना पड़ गया। अपर बोर्ड और लोअर बोर्ड को दोनों को ही स्वैप करा है ताकि आगे जाके कस्टमर को कोई भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। खुल रखा था, ये सारे प्रिंट टूटे हुए थे, इस चक्कर के अंदर हमने बोर्ड ही स्वैप कर दिया है। अब इस फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे आप ये देख सकते हो, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन के अंदर बोर्ड हमारा तैयार हो चुका है। जो मेन प्रॉब्लम थी हमारी मदरबोर्ड की, वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसके अंदर हाउसिंग, डिस्प्ले, मदरबोर्ड, कैमरा, जो भी इसके अंदर टूटा हुआ था, वो सब कुछ हम नया लगा के इस फोन को तैयार करेंगे। और दोस्तों अगर आपका फोन भी अगर ऐसी ही कंडीशन का है या फिर इससे ज्यादा बुरी कंडीशन हो रखी है, चाहे आपका फोन दो टुकड़ों के अंदर है, तो भी हमारे पास फोन वो रिपेयर हो जाएगा। उसके लिए आपको मेरी शॉप पर आना पड़ेगा। मेरी शॉप नई दिल्ली रोहिणी सेक्टर 8 के अंदर है। अगर आप नियर, अगर दिल्ली में कहीं पर भी नियर बाय अगर रहते हो, तो आप मेरी शॉप पर आकर अपने फोन को रिपेयर करवा सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपको सेम डे में ही फोन रिपेयर होके मिलेगा। अगर आपका शॉप पर आना पॉसिबल नहीं है, तो आप मुझे कोरियर भी कर सकते हो। कोरियर का प्रोसेस मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और ये जैसे देख सकते हो, कैमरा तक भी हमारा बिल्कुल डैमेज हो चुका है। इसके अंदर मैं कैमरा भी नया लगाने वाला हूँ। मैं आपको न्यू कैमरा दिखाता हूँ। ये फोन से रिमूव कैमरा है, जो कैमरा है न्यू कैमरा है, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी इशू नहीं आएगा। और जो जो मैं पार्ट यूज कर रहा हूं, मैं आपको सबका उसका मैं प्राइस ही बताने वाला हूं। वीडियो में ऐसी बने रहना। और जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो बैटरी है, ये मैं ओरिजिनल यूज करने वाला हूँ। जैसे आप इस बैटरी का तो देखो पत्ता कट चुका है, लेकिन ये हमारी बैटरी बिल्कुल ओके है, 15 से 20 दिन यूज वाली बैटरी है ये। और साथ ही मैं आपको इसकी डिस्प्ले दिखाना चाहता हूँ। मैं इसकी ये लो प्राइस की डिस्प्ले है मार्केट की, और सबसे अच्छी क्वालिटी भी इसके अंदर मिलेगी आपको, अभी आप वीडियो में देखने वाले हो।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कोरियर की। अगर आप मेरी शॉप पर नहीं आ सकते, आपका पॉसिबल नहीं है, तो आप मुझे कोरियर कर सकते हो। कोरियर करने के लिए आप डिलीवरी कोरियर ऐप डाउनलोड करें या फिर आपके जो भी नजदीक कोरियर वाला है आप उससे भी कोरियर कर सकते हो। और साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी शॉप का एड्रेस दे रखा है, उस एड्रेस पे अपने फोन को कोरियर करें। और साथ में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहां पर मेरे को अपने टूटे हुए फोन की फोटो सेंड करें और अपने फोन को बेझिझक होकर टेंशन फ्री होकर कोरियर करो मेरे पास। और एक चीज और बता दूं, जो भी फोन के अंदर जो खर्चा आएगा उसकी पेमेंट आपका फोन ठीक होने के बाद आपको देनी है, पहले कोई भी पैसे नहीं देने आपको। बेझिझक होकर टेंशन फ्री होकर बस कोरियर करो, मेरी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। तो दोस्तों जैसे आप ये देख सकते हो, इतने घंटे की मेहनत करने के बाद में मैंने इस फोन को तैयार कर दिया है। ये इसका मदरबोर्ड है जो कि हमने पूरा स्वैप करा है, और दूसरा इसके अंदर हमने बैटरी चेंज करी है, ओरिजिनल बैटरी डाली है। तीसरा हमने इसके अंदर डिस्प्ले चेंज करी है, पूरी फूट चुकी है। चौथा हमने इसके अंदर हाउसिंग चेंज करी है, जैसे आप इसकी कंडीशन देख सकते हो पूरी डैमेज हो रखी थी, तो इसलिए हाउसिंग भी हमने इसकी चेंज करी है। और पांचवा हमने इसका कैमरा भी चेंज करा है, जैसे आप इस कैमरे की कंडीशन जैसे देख सकते हो कितनी ज्यादा डैमेज हो रखी थी। और अब लो जी मेरी मेहनत जो आपके सामने है। सबसे पहले इसकी फिनिशिंग देखो। सबसे पहला मकसद हमारा ये होता है कि काम जो भी हो फिनिशिंग के साथ हो, और जैसे आप इस फोन को देख सकते हो कितने फिनिशिंग के साथ में हमने इसको तैयार कराया, कहीं से कुछ भी उठा हुआ नहीं है, पता भी नहीं चल रहा कि फोन रिपेयर भी हुआ है। अब मैं आपको इसकी डिस्प्ले चेक कराता हूँ। अगर आप ये ब्रेजल देख सकते हो, अगर ओरिजिनल 19 रहते तो ये 21 रहेंगे, ये थोड़े से ज्यादा रहने वाले इस डिस्प्ले के अंदर, लेकिन इतने ज्यादा महसूस नहीं होंगे आपको। अब मैं आपको इसकी टच चेक करा, ये जैसे टच आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल परफेक्ट चलने वाली है इसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर, और बहुत बढ़िया क्वालिटी है टच के अंदर भी, यूज करने में काफी अच्छी है। अगर आप मैसेज टाइप करते हो ज्यादा या कुछ भी तो उसमें भी टच काफी अच्छी वर्क कर रही है, बहुत बढ़िया है। आपका काम निकालने के लिए ये डिस्प्ले आप अपने फोन के अंदर लगवा सकते हो। और बाकी फोन के अंदर छोटी मोटी चीजें मैंने सब कुछ चेक कर ली है, सब वर्किंग में है। अब मैं आपको इसका कैमरा दिखाता हूँ, इसका चेक करो इस डिस्प्ले के अंदर कैमरा, अगर आप कैमरा यूज करते हो जैसे फोटो खींचने में, क्योंकि दरअसल फोन खरीदते हैं तो बंदा कैमरा भी यूज करता है, तो इसके अंदर अब आप कलर चेक करो, इसके अंदर जो प्रॉपर कलर के अंदर, प्रॉपर कलर कहने का मतलब आपको इसके अंदर दिखेगा। सस्ते के अंदर काम चलाओ, बहुत बढ़िया चीज है ये वाली डिस्प्ले आप अपने फोन में लगवा सकते हो। ये फ्रंट कैमरा ही बिल्कुल ओके है, बाकी आपकी चॉइस है आपको अपने फोन में डिस्प्ले कौन सी लगवानी है, ओरिजिनल GX की और केयर ओरिजिनल की वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, वो भी इस वीडियो के खत्म होने के बाद में, उसे भी आप देख लेना। जैसे ये फेस आईडी का मैसेज सबसे ऊपर आ रखा है, फेस आईडी का सेंसर इसका बिल्कुल डैमेज हो गया था, पत्ता दब गया था, सेंसर टूट गया था, इसलिए वो आ रखा है, लेकिन बैटरी का मैसेज मैंने हटा दिया है। और दूसरा डिस्प्ले का मैसेज आ रखा है, डिस्प्ले इसके अंदर मार्केट वाली है, इसके अंदर से IC चेंज नहीं होती, इसलिए इसका मैसेज आ रखा है। तो दोस्तों डिस्प्ले का आपको बताना चाहता हूँ, ये 5000 से भी कम प्राइस की ये डिस्प्ले पड़ती है, और जो हाउसिंग लगी हुई है ये 4000 रुपए की हाउसिंग है। अगर आप सस्ते में फोन ठीक कराना चाहते हो तो कुणाल मोबाइल किंग से ही रिपेयर करवाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई परेशानी ना आए, और आज ही अपने फोन को कोरियर करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां जाके अपने टूटे हुए फोन की फोटो सेंड करो। और अगर आप चाहते हो कि आपके फोन की भी इसी तरीके से वीडियो मैं अपने चैनल पे डालूं तो वो भी आप डलवा सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल या कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, वहां पर रोज का अपडेट आता रहता है। तो दोस्तों ऐसी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। फिलहाल वीडियो में आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।